नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आशीष कटारे आर्टिस्ट में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ये वाला जो बाजू में ट्री है, आज हम वो सीखेंगे। मेरे लिए भी नया है, मैंने भी कभी ऐसे ट्री का स्केच नहीं बनाया है, तो आप भी सीखिए, मैं भी सीखता हूँ। सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती है, जब भी मौका मिले सीख लीजिए। देखते रहिए, पूरा वीडियो पूरा देखिएगा और सीखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आशीष कटारे आर्टिस्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं ये ट्री के साथ थोड़ा कंपोजिशन भी आपको दिखाऊंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा और ये देखिए मैं अभी ट्री का थोड़ा ट्रंक बना रहा हूँ। दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ऑल ऑप्शन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वीडियो देखते रहिए, सीखते रहिए हमारे साथ। ये देखिए अभी लेफ्ट साइड पे जो रियल ट्री दिख रहा है उसमें वो थोड़ा ट्रायंगल शेप का है, पर हम ऊपर का हिस्सा थोड़ा छोड़ देंगे और मेन जो ब्रांचेस है उसकी वो कहाँ से निकल रही है, कहाँ तक जा रही है और उसके पत्ते किस शेप में है, उसको कैसे ड्रॉ करना है, वो मेन सीखना है इसमें। तो ये देखिए ये ट्रंक में से अलग अलग पत्ते बाहर की ओर निकल रहे हैं और उसकी मेन ब्रांच मैंने बनाई है दो लाइन से और उसमें से ये लीफ वाले पार्ट ये एक और दो मैंने बनाए, ये तीसरा मैं बना रहा हूँ। देखिए उसमें भी एक बीच में पतली सी ब्रांच है, उसके आजू बाजू उसके पत्ते हैं, जिसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करके इजीली ड्रॉ कर लिया है। तो आप भी कोई भी फॉर्म हो, कोई भी ट्री हो या कोई भी स्केच आप बना रहे हो, उसको सिंप्लीफाई करके आप कैसे कर सकते हो, वो आप थोड़ा इजी तरीका ढूंढ लीजिए। वो ऐसे ही नहीं समझ में आएगा, जैसे आप करते जाएंगे स्केच वैसे आपको वो आता रहेगा, वो आप सीख अपने आप ही सीखते जाओगे। कोई भी चीज़ सीखनी हो जब तक हम उसको शुरू नहीं करते तब तक ही लगता है कि हाँ ये थोड़ा मुश्किल है, पर जब हम शुरू करते हैं तो धीरे धीरे वो यूज्ड टू हो जाता है और हमारे लिए इजी हो जाता है। ये देखिए एक साइड का हो गया, फिर दूसरी साइड का भी नीचे लटका हुआ है उस साइड से, तो वो भी मैंने बना लिया। अभी एक नई और ब्रांच निकल रही है जो राइट साइड जा रही है, उसके लीव्स भी मैं देखिए बना रहा हूँ। दोस्तों ये आज मैं पेन से कर रहा हूँ स्केच, तो अगर आपको इरेजर ज़्यादा यूज़ करने की आदत है तो आप पेन से कर लीजिए, फिर आपके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, तो धीरे धीरे इरेजर की आदत भी छूट जाएगी। हर एक ट्री से हम कुछ नया सीख सकते हैं, हर एक की अलग अलग आइडेंटिटी होती है। बस करते रहिए और सीखते रहिए। वीडियो को पूरा देखिएगा, आज हम थोड़ा उसके लेफ्ट साइड के वाला एक ट्री भी करेंगे और उसके बाद थोड़ा कंपोजिशन नीचे की ओर से राइट साइड भी कर लेंगे। दोस्तों स्केचिंग अगर आप रेगुलर करते हैं तो आपको मज़ा भी आएगा और आप बहुत कुछ सीखेंगे। कुछ भी करिए, इंडोर की स्केचिंग कीजिए, आउटडोर स्केचिंग कीजिए, जहाँ भी जाइए एक छोटा सा स्केचबुक साथ में रखिए और जो अच्छा लगे उसको ड्रॉ करना शुरू कर दीजिए। और धीरे धीरे आप ह्यूमन फिगर भी कीजिए, शुरुआत में थोड़ा इधर उधर होगा लेकिन रेगुलर करने से एज इट इज़ आप ह्यूमन फिगर भी इजीली कर पाओगे। शायद मेरा कल का वीडियो
ट्रेन के अंदर मैं स्केच करता हुआ बनाऊंगा, क्योंकि ट्रेन में की मुझे जो आदत है पहले से स्केचिंग की, तो मेरे लिए तो बहुत इजी रहता है। भले ट्रेन हिलती रहे पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि मैंने ट्रेन से ही शुरुआत की है। बहुत सारे स्केचेस मैंने ट्रेन में किए, काफ़ी सारे लोगों के पोर्ट्रेट्स बना बना के मैंने लोगों को दे दिए, तो मेरे लिए वो एक ईजी हो गया था। काफ़ी सारे व्हीकल्स भी आते जाते रहते हैं, कई बार स्केचिंग करते हैं तो काफ़ी लोग हमें देखते रहते हैं, कुछ लोग सवाल भी करते रहते हैं, पर हमें वो सब में नहीं पड़ना है, हमें अपना काम करते रहना है। किसी को आंसर देने गए तो अपना काम रह जाएगा, तो आप अपना काम करते जाइए, वो सामने वाला समझ जाएगा कि हाँ अभी इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। लोग अजीब अजीब सवाल भी करते हैं, इसका क्या करेंगे, ये आप क्यों कर रहे हो, कहाँ से आए हो, ये सब काफ़ी सारे सवाल होते हैं जो हमें अच्छे ना भी लगे, पर लोगों को आदत होती है। और काफ़ी लोग ऐसे भी मिलते हैं जो इंटरेस्ट से देखते हैं और उनको भी मज़ा आता है, तारीफ भी करते हैं, तो हर किस्म के लोग मिलेंगे आपको। पर हमें कोई क्या कह रहा है उसकी चिंता ना करके, हमें क्या करना है वो हमारे टारगेट पे फोकस करके काम करते रहना है। कई बार तो पोर्ट्रेट करते हैं लाइव, तो लोग हमारे पोर्ट्रेट पूरा होने से पहले वो खुद डिसाइड कर लेते हैं, जब तक हमने पोर्ट्रेट पूरा भी नहीं किया है, और वो डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ उसके जैसा लगता है कि नहीं लगता है, जिन्होंने कभी पोर्ट्रेट बनाया ही नहीं है, पर वो हमारे जज बन जाते हैं। तो वैसे लोगों से भी चिंता नहीं करनी, एक टाइम नहीं बनता है तो भी कोई बात नहीं, लोग हंस के निकल जाएंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, पर उनकी वजह से हमें अपना काम बंद नहीं कर देना है। क्योंकि मुझे याद है कॉलेज टाइम में कुछ लोग मेरे साथ आते थे स्केचिंग के लिए, पर कोई दूर से नज़दीक आ रहा है देखने के लिए तो वो लोग अपनी स्केचबुक बंद कर देते थे कि ये देख लेगा तो वो क्या सोचेगा, अरे उसको जो सोचना है सोचने दीजिए, आप अपना काम करते रहिए। तो यही बात, मामूली बात है, पर ये हर किसी को होता है थोड़ा बहुत कहीं, पर वो सब नहीं चिंता करनी है, बस आप काम करते रहो, अपने आप काम अच्छा होने लगेगा, और रेगुलर करने से तो आपके हाथ को भी पता चल जाएगा कि अब किस साइड का स्ट्रोक मारना है और कितना मारना है। दोस्तों ये भाषण मैं ऐसे ही नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने इतने सारे स्केचेस किए हैं, इसलिए ये मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मज़ा आता है, पर लाइव स्केच करने का कुछ अलग ही मज़ा होता है। और नेचर भी एक ऐसी चीज़ है कि एक बार आप उसमें खो जाओ फिर आपको कुछ भी याद नहीं रहता है। मेरा स्केचिंग का और लाइव पोर्ट्रेट करने का एक्सपीरियंस एक ऐसा भी है कि कई बार तो मेरा स्टेशन, जो मेरा स्टॉप होता है स्टेशन, वो निकल जाता है, मैं दो चार स्टेशन आगे भी निकल जाता हूँ तो भी मुझे पता नहीं रहता था कि मेरा स्टेशन गया, फिर पता चलता है कि अरे ये तो दो चार स्टेशन आगे निकल गया, तो आगे उतर के रिटर्न वाली ट्रेन में वापस आता था। तो मतलब ये एक पागलपन है, वो जब आता है अपने में तो हमें अपने काम में 100% सफलता मिलती ही है।
कई बार मैं रेलवे स्टेशन पे जिस साइड ट्रेन आने वाली हो उसके ऑपोजिट साइड के प्लेटफॉर्म पे जाके बैठता था और उसी ट्रेन में मुझे भी जाना होता था। तो जब ट्रेन आ जाती है तब तक मेरा स्केचिंग चालू रहता है, फिर एकदम पैकिंग करके भागने की चक्कर में कई बार मैं दूसरी साइड से भी ट्रेन आती हुई होती है और मैं कूद के एकदम निकल गया, वैसा भी एक दो बार हुआ है मेरे साथ। पर मतलब इतना इन्वॉल्वमेंट होता है कि पता नहीं रहता कि इस साइड से भी ट्रेन आ रही है और मैं सामने कूद रहा हूँ। कई बार ट्रेन के सामने वाले अंदर जो बैठे वाले हैं वो लोग भी चिल्ला उठते कि अरे ये क्या कर रहा है, पर ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो इतना अपने जो भी काम करो उसमें इतना खो जाइए कि और कुछ दिखे ही नहीं। ये देखिए मैंने हल्के से वो थोड़े लीव्स बनाए हैं, ये थोड़ा फ्री स्टाइल में मैं पेन से कर रहा हूँ, जस्ट एक इम्प्रेशन है। वहाँ पे एक छोटा सा गेट बनाया है, ये साइड एक और ट्री बना देते हैं। ये इसका छोटा सा ट्रंक दिख रहा है, साथ में उसके कुछ कटे हुए लीव्स के आधे ब्रांचेस भी बचे हुए हैं। ये हमारी और आगे की ओर आ रही है ब्रांच, ये इसके लीव्स बहुत ही अच्छे से स्ट्रोक से ये बन सकता है। ये भी ब्रांच आगे की ओर आ रही है, ये देखिए। अब ये थोड़ा ऊपर, लेफ्ट साइड, राइट साइड, सेंटर, ये सभी ओर से हम बनाएंगे उसको। दोस्तों स्ट्रोक्स की भी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहना है फ्री टाइम में, तो आप अपने हाथ को चारों ओर राउंड साइड, वैसे सभी स्ट्रोक्स की आदत थोड़ी थोड़ी फ्री टाइम में करनी है, तो आप किसी भी तरह का स्केचिंग कर सकते हैं। ज़्यादातर देख के ही आप सीख जाओगे काफ़ी सारा, और इसी प्रकार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बहुत ही जल्द आप एक अच्छे ऑब्जर्वर और आर्टिस्ट बन जाएंगे। स्केचिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। यहाँ पे एक हल्का सा ट्री का हम कॉन्टोर लाइन बना लेंगे, क्योंकि उसको मुझे उतना डिटेल नहीं करना है। अगर मैं पूरा भर दूंगा तो फिर ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। पास में एक छोटा सा हाउस दिख रहा है, उसकी थोड़ी एक हल्की सी लाइन कर लेंगे, ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे उसकी। तो ये पूरा कंपोजिशन तैयार हो गया है। थैंक यू सो मच। राम राम।